सो so, आज हम देखेंगे चैप्टर नाइन बायोमोलिकल्स का सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में बेसिक डिस्कस कर लिया था ठीक है बायोमोलिकल्स क्या होते हैं हमने एनालाइज कैसे करना है वो सब कुछ अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देख लेना पार्ट सेकंड को इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन्स ओके सो अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सेप्ट of chemistry deals with isolating thousands of compounds small and big from living organism चलो इसका मतलब समझते हैं केमिस्ट्री आपने पूरा अलग सब्जेक्ट पढ़ा है ठीक है तो उसमें मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट क्या है तो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है कि जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं उनको ही लिविन ऑर्गेनिज लिविंग ऑर्गेनिज्म में से बाहर निकालना आइसोलेट करना अलग करना आइसोलेट यानी अलग करना ठीक है तो ये मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है समझ रहे हो डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर अलग करके फिर उनका स्ट्रक्चर पता करना एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग दैम ओके अगर पॉसिबल है वो कंपाउंड को बनाना तो हम उनको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं ठीक है तो ये क्या है मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लियर इफ वन वे टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड शुगर एक्सेट्रा ओके अगर हमको बायोमोलिक्यूल्स की लिस्ट बनानी है तो उसमें हमको थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे ठीक है अमाइनो एसिड शुगर हमने लास्ट पार्ट में ये सब देखा था अमाइनो एसिड क्या होता है शुगर क्या होता है तो थो, थोड़ा बेसिक देखा था अभी तो हमको डिटेल में पढ़ना है ठीक है फॉर रीजन दैट आर गिवन इन द सेक्शन ये भी हम पढ़ने वाले रीजनस ठीक है वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स एट मेटाबोलाइट्स तो ये बायोमोलिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं मेटाबोलाइट्स क्लियर इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर नाइन पॉइंट वन हमने ऑलरेडी नाइन पॉइंट वन को डिटेल में पढ़ लिया है अगर आपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा हो तो आपको पता होगा ठीक है इन एनिमल टिश्यूज हमको क्या क्या, क्या कौन से कौन से कंपाउंड्स मिले कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स मिले तो उनको हमने क्या बोला दिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्लियर सबको इतना प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमने 9.1 में जो जो था वो क्या था प्राइमरी मेटाबोलाइट चलो मैं एक फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको दिख रहा है ये सब सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ रहा था अमाइनो एसिड शुगर्स ठीक है फैट्स ऑयल्स हमने डिटेल में पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड क्या होता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है नाइट्रोजन बेस कैसे बनता है सब कुछ डिटेल में देख लिया था तो वो सब क्या था प्राइमरी मेटाबोलाइट सबको क्लियर इतना हाउ एवर वन वेन वन एनालाइज प्लांट फंगस एंड माइक्रोबियल सेल्स वन वुड सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन दिस कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अब देखो जब हमने आ, आ, प्लांट फंगल माइक्रोबियल सेल को भी एनालाइज किया तब हमको थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स ऐसे मिले ठीक है प्राइमरी मेटालस को छोड़ के थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हमको ऐसे मिले जो हमने एनिमल में नहीं देखे थे ठीक है कौन से कौन से है वो एल्कोनॉइड्स ये सब कुछ ये डिटेल में आपको मैं आपको बता रही हूँ कौन से कौन से एग्जाम एग्जाम्पल है ठीक है फेवनॉइड्स रबर एसेंशियल ऑयल्स एंटीबायोटिक्स कलरिंग पिगमेंट सेंस कर्म्स एंड स्पाइसिस सब कुछ क्या है सेकेंडरी मेटाबुलट्स क्लियर प्राइमरी जो हमने पार्ट पार्ट फर्स्ट में देखे थे अमाइनो एसिड्स थे शुगर थी नाइट्रोजन पेसेज वो सब कुछ क्या था प्राइमरी और ये सब क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्लियर सबको वेन प्राइमरी मेटाबुलट्स हैव आइडेंटिफिकल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अब प्राइमरी मेटाबोलाइट उनका क्या हम उनको प्राइमरी क्यों बोल रहे बिकॉज उनका हमारी बॉडी में एक फिक्स फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है हमारे बॉडी में उसमें एक फ़िक्स फंक्शन है और वो हमको पता है ठीक है हम हमने उनके रोल जो इम्पॉर्टेंट रोल है उनके हमको पता है वी डू नॉट एट अ मूवमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शंस ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटापोलिस वहीं सेकेंडरी मेटापोलिस हम देखें तो हमको अभी उनके प्रॉपर फंक्शंस नहीं पता है क्लियर सबको इतना हाउ एवर मैनी ऑफ दैम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर ठीक है ये बहुत सारे उसमें से ऐसे भी है जो हमको बहुत यूजफुल भी है कैसे सबको पता है रबर्स सबको पता है ड्रग्स स्पाइसिस सेंट्स एंड पिगमेंट्स ये सब क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ठीक है थोड़ा पढ़ लेते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी पिगमेंट्स में कौन से कैरेचिनयड सबको पता है कैरेचिनइड ना प्लांट्स में मिलेगा हमको ठीक है एंथोसिनाइड्स अब एल्कलॉइड्स में कौन सा मॉर्फिन ये सब क्या है ड्रग्स है ठीक है टर्पेनोइड्स एसेंशियल ऑयल्स में कौन सा लेमन ग्रास ऑयल टॉक्सेंस में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद है और पोली सबसे में आपको क्या याद रखना है रबर गम्स और सेल्यूल्स ये सब जो मैंने बोला ना वो सब इंपॉर्टेंट है वो उसमें से कोई कोई क्वेश्चन भी दे सकते हैं कभी कभी ठीक है तो आप ये टेबल थोड़ा याद रखना सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यानी उनका एनवायरमेंट में भी इंपॉर्टेंस है ठीक है इन द लेटर चैप्टर्स एंड ईयर्स यू विल लर्न अबाउट दिस अभी हम देखेंगे आगे आगे या तो आगे वाले साल में जब आप फ्यूचर में स्टडीज करोगे उसमें आपको डिटेल्स में देखने मिलेगा यहां नीट के लिए इतना इनफ है ओके अब हम देखेंगे बायो मैक्रो यानी क्या बड़ा ठीक है बिग लार्ज देर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल अब आपको याद करना है एसिड सोल्यूबल पूल क्या था और एसिड इनसोल्यूबल पूल क्या था ठीक है हमने एक, एक एक्सपेरिमेंट किया था जो पार्ट छन गया था सबको याद है ट्राइक्लोरो एसिड में हमने किया था ठीक है जो पार्ट छन के बाहर आ गया था उसको हमने क्या बोला था एसिड सोल्यूबल पुल और जो नहीं छन पाया था वो जो कपड़े में ही रह गया था उसको हमने क्या बोला था एसिड इनसॉल्युबल पुल क्लियर सबको इतना दे हैव मोलिकुलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम एटीन टू अराउंड एट हंड्रेड डार्टन किसकी बात हो रही है एसिड सोल्यूबल पोल में जो मेम को मिलते गए कंपाउंड उनकी ओके okay? तो उनका मोलिकुलर वेट कितना होता है एटीन टू एट हंड्रेड डार्टन अप्रोक्स क्लियर सबको इतना द एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन हैज ओनली फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हमने देखा था कि एसिड इनसॉल्यूबर फ्रैक्शन में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फोर टाइप्स के हैं कौन से कौन से तो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड पोलीसेक्राइड एंड लिपिड्स चारों बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं क्लियर दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ टेन थाउजेंड ट्स एंड अब तो आप बोलोगे लिपिड्स को क्यों रख दिया इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं वो ठीक है इस क्लासेस के सबके वॉलिकुलर वेट कितने हैं तो मोर देन टेन थाउजेंड क्लियर सबको इतना किसकी बात हो रही है एसिड इन फ्रैक्शंस फ्रैक्शन में जो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं यूजली चार टाइप के फिक्स चार टाइप के ही होते हैं वो क्लियर फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स ठीक है तो हम हमने देखा कि इस रीजन्स की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल कंपाउंड मिलते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं कैसे दो टाइप्स के मैक्रो एंड माइक्रो मोलिक्यूल्स क्लियर मैक्रो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रो मोलिक्यूल्स माइक्रो का मतलब लार्ज बिग और माइक्रो का स्मॉल ठीक है वन दोज विच हैव मोलिक्युलर वेट लेस देन वन थाउजेंड डार्टन आर यूजअली रिफर्ड टू एज माइक्रो मोलिक्यूल्स ठीक है जिनका वेट 1000 थाउजेंड डाल्टन से कम होता है ठीक है उसको हम डीजली क्या बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स तो आपको पता चला बायोमोलिक्यूल्स किसको बोलेंगे हम वाल दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन ठीक है एसिड इन्सॉल्यूबल फ्रैक्शन में हमको जो जो मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल उनका वेट कैसा होता है मोर देन वन ठीक है द molecules इन in द insoluble फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर polymeric सब्सटेंस Polymeric का मतलब क्या होता है हम अभी आप डिटेल में देखने वाले हैं जैसे अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन से हम अमाइनो एसिड से बनेगा तो ऐसे अमाइनो एसिड्स की चेन्स से बनेगा ठीक है हम आगे डिटेल में प्रोटीन्स देखने वाले हैं, सारे के सारे चारों को हम डिटेल्स में देखने वाले ओके okay? तो एक्सेप्शन क्या है लिपिड्स देन वाई डॉ लिपिड्स उस मोलिकुलर वेट्स डू नॉट एक्सेप्ट 800 हंड्रेड डार्टन अब आपको क्वेश्चन तो आया होगा कि लिपिड्स का तो वेट भी नहीं है 800 हंड्रेड डार्टन से ज्यादा तो हमने इसको इनमें क्यों रखा ठीक है माइक्रो मोलिकुल्स में क्यों रखा कम अंडर ऐसे इनसोल्यूबल फ्रैक्शन ठीक है ऐसा क्यों है कि लिपिड का वेट इतना ज्यादा नहीं है तो भी वो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आता है चलो हम जानते हैं ठीक है लिपिड्स आर इन स्मॉल मॉलिकुलर वेट उनका वेट कैसा होता है स्मॉल ही होता है एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एस बट ऑल्सो अरेंज इन टू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेमरिन ऑफकोर्स लिपिड आपको हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है तो उसमें लिपिड था हाँ ऑफकोर्स था सबको याद होगा ठीक है वेन वी ग्राइंड अ टिश्यू अब अगर हम एक टिश्यू को ग्राइंड करें ठीक है वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर ओके okay, ऑफकोर्स हम कोई भी टिश्यू को ग्राइंड करेंगे हमने तो क्या लिया था वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे सबको याद होगा लिवर का पीस याद है या तो कोई वेजिटेबल ले सकते थे वो क्या है टिश्यू ही है ठीक है अगर हमने कोई भी टिश्यू को ग्राइंड किया अफकॉर्स तो इसमें सेल्स तो होना ही है ठीक है सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी ठीक है सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्बरे आर ब्रोकन इंटू द पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल तब क्या होगा जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई थी हमने देखा था डिटेल में ठीक है वो सेल मेम्ब्रेन ऐसे डाउन ऐसे पीसेस में डाउन हो जाएगी ठीक है इनको हम क्या बोलेंगे वेसिकल जो ये वेसिकल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल नहीं होते क्लियर सबको इतना देयर फॉर दिस मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद द एसिड इन सोल्यूबल पुल इसलिए ये क्या है? होते हैं जो वेसिकल्स होते हैं ना ये भी इनसोलबल पुल में ही रह जाते हैं इसलिए हम उनको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स अब बहुत बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि लिपिड्स क्यों हैं तो अब आपको कंफ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि लिपिड्स को हमने मैक्रोमोलिक्युल्स में क्यों रखा है क्लियर सबको इतना द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन जो एसिड सोल्यूबल पूल था ना उसमें जो भी हमको मिल रहे थे कंपाउंड्स, वो किसके थे यूजुअली साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन के थे ठीक है द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाजम एंड ऑर्गेनल्स बिकेम द एसिड इन्ॉल्यूबल फ्रैक्शन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में क्या थे ऑर्गेनल जो सेल के अंदर ऑर्गेनल होते हैं अगर आपने सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले आप वो पढ़ना बिकॉज आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही होगी ठीक है ऑर्गेनल्स क्या होते हैं इसे आपको समझ नहीं आ रहा आपने वो पढ़ा होगा तो आपको डिटेल में समझ आ रहा और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट भी करना आपको जो भी आपको रिक्वेस्ट हो कोई और वीडियो चाहिए या तो आपको क्लास ट्वेल्व की कोई वीडियो चाहिए कोई चैप्टर अलग चाहिए आपको या किसी में कंफ्यूज़न आप सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ओके टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफकोर्स मैक्रो सॉरी एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल टुगेदर क्या रिप्रेजेंट करेगा पूरा केमिकल कंपोजिशन जो पूरा जो भी केमिकल्स है हमारे बॉडी में वो रिप्रेजेंट करेगा ठीक है इन समरी वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम एबुटेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज डेम क्लास वाइज वी ऑब्जर्व दैट द वॉटर इज़ द मोस्ट एबिडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको पता है हमारी बॉडी भी कितनी है हमको पता है सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट वाटर से बनी होती है तो कौन सा केमिकल है मोस्ट एबिडेंट लिविन ऑर्गेनिजम में तो वाटर क्लियर सबको इतना देख सकते वाटर सेवेंटी टू नाइन्टी प्रोटीन्स कितना होता है अब ये आया याद करने वाली जी आपको याद रखना है ये कभी भी आपको पूछ लेंगे कोई भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है ठीक है वाटर का भी पूछ सकते हैं ठीक है सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट होता है प्रोटीन्स का भी पूछ सकते हैं तो टेन टू फिफ्टीन परसेंट कार्प्स कितने होते हैं तो थ्री परसेंट कार्प्स होते हैं लिपिड टू परसेंट होंगे न्यूक्लिक एसिड फाइव टू सेवन परसेंट ठीक है आयन्स कितने होंगे हमारे बॉडी में वन परसेंट क्लियर इतना सबको अब हम देखेंगे डिटेल में प्रोटीन्स ठीक है हमको ये चारों को अभी डिटेल्स में देखना है प्रोटीन्स को देखेंगे काप्स को देखेंगे लिपिड्स को हम सबको डिटेल में देखने वाले तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन्स क्लियर सबको प्रोटीन्स आर पोलीपैप्टोलीपेपटाइड्स यानी एक अमाइनो एसिड दूसरे एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइंट है ठीक है कनेक्टेड किससे लिंक्ड पेप्टाइड बॉन्ड से दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स अब देखो ये एक अमाइनो एसिड है ये दूसरा अमाइनो एसिड है ये तीसरा ऐसे ये लीनियर चेन है और एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किससे लिंक्ड है तो पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर सबको इतना ईच प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स तो प्रोटीन किससे बना हुआ होता है तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है समझो ये वॉल है ये वॉल है प्रोटीन बट इसकी ब्रिक्स है जो ये ब्रिक्स है ना जिससे वॉल बन रही है वो क्या है अमाइनो एसिड तो बेसिकली प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है ठीक है तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड ये क्वेश्चन आ सकता है आई होप आपको ये क्लियर हो गया एज तेर आर ट्वेंटी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कितने टाइप के हैं अमाइनो एसिड ट्वेंटी टाइप्स ओके अब प्रोटीन इज हिट्रोपोलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर होमो इसका मतलब क्या हुआ जैसे जैसे ये हमको एक प्रोटीन बनाना है ठीक है इसमें जो अमाइनो एसिड लगेंगे ना वो सेम नहीं होंगे जैसे एलेनाइल है तो सब पूरे वही नहीं होंगे ये मिक्स होकर बनेंगे ठीक है प्रोलाइन लाइसिन ठीक है ये ये प्रोलाइन होगा ये लाइसिन होगा फिर जाके ये एक बनाएगा ठीक है इसलिए हम क्या बोलेंगे प्रोटीन क्या है हिट्रोपोलीमर अगर वो एक से ही बन रहा है जैसे एक अमाइनो एसिड है उससे ही पूरा प्रोटीन बनता तो उसको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं बट ऐसा नहीं होता तो प्रोटीन क्या है हेट्रोपॉलीमर आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब हम रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा और अ होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर ठीक है होमोपॉलीमर में क्या होता है एक ही टाइप का होता है मोनोमर ठीक है वही बार बार रिपीट होके एक प्रोटीन बनाता ठीक है अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम ठीक है दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन अब आगे देखेंगे ना न्यूट्रिशन वाले चैप्टर्स तो आपको ये सब बहुत काम आएगा इसे तो आप बेसिक यहीं पे ही सीख लो क्लियर सबको यू विल लर्न दैट सर्टिन अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर अवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू अवर डाइट ठीक है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हमारे नॉसिट होती है कैसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ठीक है तो जो एसेंशियल होते हैं ना उसमें उसको हमको डाइट से लेना ही पड़ता है जब हम खाना खाते हैं ना उसमें वो होने चाहिए ठीक है बिकॉज हमारी बॉडी नहीं उसको बना पाती और जो नॉन एसेंशियल होते हैं ना वो हमारी बॉडी बना लेती है तो हमको वो डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं होती इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको नॉन एसेंशियल असेंशियल आपके क्लियर होगा आपको ठीक है रीड करते हैं हैंस डायट्री प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड अफकोर्स हम जो खाएंगे ना उसमें से हमको क्या मिलेगा एसेंशियल अमाइनो एसिड तो सोर्स क्या है डायट्री प्रोटीन देयर फॉर अमाइनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मैंने आपको बता दिया अभी ठीक है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होता है द लेटर आर थोज जो नॉन एसेंशियल है ना विच अवर बॉडी कैन मेक नॉन एसेंशियल को हमारा बॉडी बना लेगा ईजीली वाइव वी गैट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थ्रू आवर डाइट और फूड जो हम फूड खाएंगे उसमें से हमको क्या मिलेगा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तो आपको याद रखना है अमाइनो एसिड के दो टाइप्स थे असेंशियल और नॉन एसेंशियल ये तो आपको बहुत रिपीट हो गया अगर आपको मेडिकल में एडमिशन मिल गया ना तो भी ये तो पढ़ना ही है आपको दस बार आएगा एसेंशियल अमाइनो एसिड नॉन असेंशियल तो आप यहीं पर ही इसको क्लियर कर दो ठीक है प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है प्रोटीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ठीक है सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन अक्रॉस द सेल मेब्रेन किसी किसी का काम क्या होता है न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस द सेल मेंब्रेन कोई कोई क्या होता है फाइट इन्फेक्शन क्या करता है कोई कोई इन्फेक्शन को फाइट करता है सम आर हॉर्मोन्स कोई कोई प्रोटीन्स क्या है हॉर्मोन है कोई कोई क्या है एन्जाइम्स है क्लियर तो देखो प्रोटीन्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में एक्सेट्रा कॉलेजन इज़ द मोस्ट एबूटेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड अगर पूछे जाए कि सबसे एब्यूटेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल वर्ल्ड में तो क्या आएगा आंसर कॉलेजन याद रख लो ये ठीक है कॉलेजन को तो आपको ऐसे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तो आपको तुरंत आना चाहिए क्या है कॉलेजन ठीक है अगर बायोस्पियर में पूछे ठीक है इन होल बायोस्पियर सिर्फ एनिमल की बात नहीं हो रही पूरे पूरे बायोस्फीयर में पूछे तो क्या आएगा रुपिस्को क्लियर क्या आएगा रुपिस्को राइबुलस बायोफॉस्फ्रेट कार्बोक्सिलेक ऑक्सीजन क्या आएगा रूपिस्को आपको ये याद रखना है तो सो एनिमल वर्ल्ड में सबसे एविडेंट प्रोटीन कौन सा है कॉलेजन और पूरे बायोस्फीयर का अगर पूछे तो आपको क्या याद आना चाहिए रूपिस्को तो आज हम सिर्फ प्रोटीन ही पढ़ रहे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पोलिसक्रेड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो जिनको ये वीडियोस हेल्पफुल हो ऑफकोर्स आप फ्रेंड्स के साथ जो आपको ये टॉपिक डिस्कस करोगे ना तो फिर आप भूलोगे नहीं ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग